मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर जहानगंज के अकबेलपुर में निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उसके बाद में वाराणसी के दौरे पर भी जाएंगे और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे, तो वहीं सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीएम योगी संवाद भी करेंगे। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बहसरजू पावनी, अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़े चेहरों के साथ अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। 16 दिसंबर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आप देख रहे हैं न्यूज 18
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगरा की। आगरा में एसपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के प्रेम संबंध से परेशान उनकी पत्नी धरने पर बैठ गई है। आरोप है कि प्रेमिका के चक्कर में घर परिवार और बच्चों को छोड़कर नेताजी दूसरे फ्लैट में रहने लगे हैं और पत्नी का आरोप है कि मैनपुरी घर से पति आगरा बिजनेस का बहाना लेकर आगरा निकले थे, लेकिन आगरा में फ्लैट के अंदर प्रेमिका के साथ में रह रहे हैं। जब आगरा में फ्लैट पर पहुंची तो पति ने दरवाजा नहीं खोला। पिछले कई घंटों से दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। पत्नी का कहना है कि बच्ची को लेकर कहां जाऊं, फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मेरी शादी है, मेरा घर जरूर में है और ये मेरे हस्बैंड है। यश यादव ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, मैनपुरी सदर से, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा से। तो फिर अब ये गेट नहीं खुल रहा है, मतलब मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से किसी लड़की को लेकर अंदर है, पता नहीं है इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ दुर्घटना हुई क्या हुआ है, शाम को अच्छे से बात की है पर अभी गेट नहीं खुला और अभी इधर ही इनकी दोनों गाड़ी बच्चे खड़ी। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बादशाहत बरकरार है। न्यूज 18 यूपी यूके लगातार नंबर वन बना हुआ है, प्रतिद्वंदियों से 300% अंतर से आगे है और लगातार नंबर वन का नया रिकॉर्ड बनाया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दर्शकों के प्यार के लिए शुक्रिया। तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बादशाहत लगातार बरकरार है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार नंबर वन बना हुआ है, प्रतिद्वंदियों से 300% अंतर से आगे चल रहे हैं और लगातार नंबर वन का ये नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। तो लगातार न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को दर्शकों का प्यार मिल रहा है और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बादशाहत लगातार जारी है। तो टीआरपी के लिस्ट में फिर से नंबर वन पर आया न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बाकी सारे प्रतिद्वंदियों से 300% हम आगे चल रहे हैं। तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बादशाहत लगातार जारी है, एक बार फिर से टीआरपी के लिस्ट में नंबर वन पर है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो दर्शकों का लगातार प्यार मिल रहा है जिसके चलते न्यूज 18 की बादशाहत बरकरार है। तो पिछले कई हफ्तों से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नंबर वन पर बना है, टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 300% अंतर के साथ में हम आगे चल रहे हैं। बिजनौर में